बैक टू माय चैनल अक्षिताज क्रिएशन। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ माउथ ऑर्गन कैसे बनाएं घर पर। जैसे हारमोनिका होता है वैसे हम आज बनाने वाले हैं और इसको बच्चे भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके टूल्स बता देती हूँ। तो सबसे पहले हमें लेना है ये दो आइसक्रीम स्टिक्स, टूथपिक्स, सीजर, ज्योमेट्री बॉक्स और एक कोई सा भी पेपर ले लो आप। जैसे मैंने लिया ये वाइट पेपर। तो अभी इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो आप देख रहे हैं ये स्टिक, इसको इस पेपर के ऊपर रख के आप देख रहे हैं इसकी आउटलाइन करनी है आपको। फिर उस आउटलाइन को जो आपने किया है आइसक्रीम स्टिक की, फिर उसको कट कर देना है। तो ऐसे मैंने ले लिया है एक कट करा हुआ, आप देख सकते हैं। अब क्या करना है, जो दूसरी आइसक्रीम स्टिक है तो इसके ऊपर आपको वही पेपर लगा देना। आप देख सकते हो आपको ग्लू से चिपकाना नहीं है। अब क्या करना है, आपको उसके ऊपर एक और आइसक्रीम स्टिक रख देनी है। तो ऐसे मैंने रख लिया आइसक्रीम स्टिक। अब क्या करना है, आपको रबर बैंड से इसको, आप ये वाला कॉर्नर देख रहे हैं इसको एकदम बंद कर देना ताकि ये खुले ना। तो हम इसको बंद कर देते हैं। फिर ये ऐसे मैं दूसरी साइड में भी बंद करना है रबर बैंड से। आपको एक पतली रबर बैंड लेनी है, आप मोटी भी ले सकते हैं लेकिन ज़्यादातर इसमें पतली रबर बैंड यूज़ होती है। तो आप तो वो ले लो अगर आपके घर में पतली रबर बैंड होगी। तो ये मैंने इसके साइड में ऐसे कर दिया है। अब क्या करना है हमें, ये जैसे मैंने बताया था टूथपिक्स लेना, तो हमें ये दो टूथपिक्स लेने हैं। और फिर क्या करना है, जो तो उसके ऊपर का पार्ट है आप देख सकते हैं, तो आप ये देख रहे हैं इसके पूरा अंदर घुसा देना। मैं घुसा देती हूँ, तो मैं घुसा दी उसको पूरा एकदम फ्लैट करके आपको घुसा देना। आप ये देख सकते हैं। अब ये दूसरी साइड में भी सेम ऐसे ही करना है, एक टूथपिक लेनी है और दूसरी साइड में भी घुसा देना एकदम, उसको फ्लैट करना है फिर घुसा देना ऐसे। आपको बार बार करना है, मतलब बार बार नहीं, ये दूसरी तरफ भी करना है। आप ये देख सकते हैं, ये मैंने इसको ऐसे करके ऐसे प्लेन जैसा आपको लग रहा है कि स्केटबोर्ड है वैसे करके घुसा दिया है। अभी क्या करना है, तो ऐसे करके इसको बजाएंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं ये नुकीला पार्ट और ये पार्ट, इससे हमारे माउथ को लग सकती है और ये कट भी हो सकता है। तो इसको आप कैंची की मदद से या सिंपली अपने हाथ से उसको एकदम बराबर काट सकते हो। तो मैं बराबर हाथ से काटती हूँ। अभी मैं उसको काट रही हूँ। साइड का मैंने काट दिया और दूसरी साइड का भी ऐसे ही सेम काट देना। सेम तरफ ऐसे ही पूरा ऐसे काटते रहना टूथपिक को। फिर हम इस साइड भी ऐसे कर लेते हैं, इस साइड में भी हमें काट देना है। हाँ, एक तरफ मैंने काट दिया। सिंपल है, आप इसको पहले ऐसे करके तोड़ दो, ऐसे टूट गया, फिर जो कैची लो उसको तरफ करो और ऐसे कट गया। अभी ये हमारा रेडी हो चुका है, अब देखने ये कैटे लो।
तो जो हम ब्रीथ लेते हैं उसको इन नहीं करना, उसको एग्जिट करना है, और इसमें भी एनर्जी यूज होती है। तो ऐसे हमारा ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज के लिए ये हारमोनिका रेडी हो चुका है। मैं आपको बजा के फिर से दिखा देती हूँ। तो एकदम ऐसे बजाना, और ये ध्यान रखना अपनी जो सलाइवा होती है, थूक होती है, उसका पेपर गीला हो सकता है और फट सकता है, तो आप अपनी सलाइवा को यूज़ मत करना, वरना पेपर फट जाएगा, फिर ये माउथ ऑर्गन खराब हो जाएगा। तो ऐसे ये बचता है, अलग बचता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को लाइक कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर देना, शेयर तो ज़रूर करना अपनी फैमिली के साथ या अपने बच्चों के साथ। तो मैं आपको मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। तो बाय गाइस।